नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पेंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे और उनका यह भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं। और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड की थियरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लारेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाला लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाला लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की ज्योग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, भूगर्भ में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थियरी को सिद्ध करने के लिए एल्फर्ड ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। चले, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का अवलोकन किया तो ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपनी इस थियरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। फ्रेंड्स, इस प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारी इस एक प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हमारी अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी का रीजन क्या है और लावा या मैग्मा कैसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, हो सके उतना शेयर करें और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।